हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज वर्ल्ड। आयन, कैसे हो आप सब? तो अभी हम लोग सात बज गए और हम लोग ये आयन का स्टडी टेबल लाने गए थे, तो उसे बहुत अच्छा पड़ता है अभी इस टेबल पे स्टडी करना। तो अराउंड 400 रुपीज़ का कुछ तो हमें मिला ये, और वो उसके एक्साइटमेंट देखिए कितनी मस्त है। तो दोस्तों पूरा व्लॉग देखिए, व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड बटन है। तो यहाँ पर एक पार्सल आ गया जो अभी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेरे जैसी ड्राई स्किन के लिए। तो ये गुड वाइब्स का रोजिप सीरम है, इसका दो वेरिएंट है पर मैंने ये वाला लिया है। तो आगे पूरा मैंने रिव्यू शेयर किया है, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नीचे रेड बटन है। तो ऐसे मैंने एक स्पेशल चीज़ ऑर्डर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज वर्ल्ड। एंड कैसे हो आप सब? तो अभी गुड आफ्टरनून हो गई है, आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। थोड़ा सा लेट हो गया हेयर वॉश करने के लिए, पीछे कपड़े पड़े जो मुझे अब सब घड़ी करके रखने हैं। और आज मैंने 2-3 दिन पहले एक पार्सल आ गया जो बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी क्या लूँ ऐसा कि मेरी स्किन एकदम हाइड्रेट रहे। तो 3-4 दिन पहले ये चीज़ आ गई जो आपने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी देख ली, तो वो है वो सीरम। तो अभी मैंने यूज़ कर लिया, ये देखिए ये सीरम है वो। ओके, तो इसे मैंने करीबन 4-5 दिन पहले आया है ना, तो उतना दिन मैंने यूज़ कर लिया। तो प्रोडक्ट कैसा है अभी फिर से आप लोगों के सामने डेमो दिखाती हूँ कैसा है प्रोडक्ट। मेरी बहुत ड्राई स्किन है, अभी देखिए मैंने कुछ भी लगाया नहीं है तो स्किन बहुत ड्राई है। तो अभी दिखाती हूँ। तो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है और इसमें दो वेरिएंट है शायद, पर मैंने ये वाला लिया है, नो पैराबिन नो सल्फेट है। और इस इतना तो कुछ पता नहीं है, जैसे रिव्यूज़ देखे स्पेशली ड्राई स्किन के लिए कौन सा अच्छा ले लिया। ब्यूटी ब्लॉगर तो है नहीं भैया हम लोग, तो हमें कोई इतना कुछ पता नहीं है, सिर्फ थोड़े से रिव्यूज़ देखे अच्छा है तो मैंने मंगा लिया। ये कुछ मुझे 240 रुपीज़ का तो यहाँ दिख रहा है पर ये मुझे 175 रुपीज़ में मिला है। तो इसकी पैकेजिंग ऐसी है, ऐसा आया था मुझे, कांच की बॉटल है ये और ये ड्रॉपर है। तो ये देखिए मेरी स्किन, अभी मैंने जस्ट बाथ लिया है तो अभी जितना चाहिए ऐसे ड्रॉपर के ये है जितना चाहिए, थोड़ा ही लगता है, एकदम बिल्कुल हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं। इसका कंसिस्टेंसी भी बताऊँगी, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा लिया है मैंने, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती वरना और ऑयली हो जाएगा। तो देखिए ओके, ऐसे अच्छी तरीके से मैं स्प्रेड कर लेती हूँ और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ऐसा अभी लगता होगा एकदम ऑयली पर ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ऐसे बिल्कुल भी फेस पे ऐसा नहीं लगता है कि ऑयली है, ऐसे चिपचिप है, ग्रीसी टाइप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एकदम कंफर्टेबल है स्किन पे, वेल हाइड्रेट होती है स्किन। तो अभी मैं 4-5 दिन से यूज़ कर रही हूँ तो बोला शेयर करूँ अभी मैं, तो वेल हाइड्रेट स्किन, इसके बाद मुझे मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं कोई तो एक मेकअप वीडियो शूट करूँगी तो इसमें मैं इसे यूज़ करूँगी कि ये फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन के पहले अगर लगाऊँ तो मेरी स्किन ना बहुत ऐसे ड्राई है, यहाँ से पैचेस बन जाते हैं तो इसके लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये सीरम के साथ और मॉइस्चराइज़र के साथ एक बार करके देखूँगी मैं कैसा रिजल्ट आता है। तो ये सीरम तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत मस्त है। तो इसके लिए तो मुझे कहाँ पर भी पिम्पल्स नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है स्किन में। मुझे वही डर था कि कहीं पिम्पल्स ना आ जाए, पर पिम्पल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं आया है मुझे। तो लंच की बारी आ गई और यहाँ पे अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ आज, दो तरीके से पिज़्ज़ा, मंजिनिस में से पिज़्ज़ा बेस मिलते हैं तो वहाँ से मैंने बेस ला दिया और सारे वेजिटेबल्स, टोमेटो, ऑनियन, कैप्सिकम और कैबेज, उन सबको एकदम बारीक बारीक चॉप करके पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो ये रेडीमेड टाइप पिज़्ज़ा हो जाता है, इसमें इतनी कुछ मेहनत भी नहीं लगती है, सिर्फ कटिंग चॉपिंग करना होता है, पर ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मेरी मम्मी, हम छोटे छोटे थे तो ऐसे ही करके हमें खिलाती थी पिज़्ज़ा, तो अभी भी मैं भी ऐसे ही बना के खाती हूँ। तो ये चटनी के लिए कोथिंबीर ये कर रही हूँ तो पिज़्ज़ा सॉस भी लाया मैंने, तो बोला एक बार अभी पिज़्ज़ा सॉस के साथ करके देखती हूँ और एक ग्रीन चटनी के साथ इंडियन स्टाइल।
तो दोनों भी बहुत अच्छे लगे हमें खाने के लिए। तो ये देखिए, अभी सबसे पहले पैन होता है, उसे गर्म करके उसके ऊपर ये देखिए पिज़्ज़ा बेस तो ऐसे मिलता है। तो पैन रख के उसके ऊपर बटर रख के एक साइड में रोस्ट करके लूँगी उसे, फिर जो जहाँ पे रोस्ट किया है उस पे सारा फिलिंग रख के नीचे की साइड फिर से रोस्ट करना होता है बटर डाल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटर डाल दिया रोस्ट करने के लिए। एकदम ये चीज़ एकदम स्लो गैस पे करनी होती है। अभी तो मैंने सिर्फ तवा गर्म करने के लिए फास्ट गैस की है। देखिए मैंने स्लो करके उसे थोड़ा टाइम रोस्ट होने दिया और साथ में मैंने दूसरा पैन भी लगा दिया कि फटाफट हो। तो ये देखिए रोस्ट हो गया है और थोड़ा सा फास्ट गैस था इसके लिए वो ज़्यादा ये हो गया, नहीं तो एकदम स्लो गैस पर करना है। तो ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया मैंने। मैं पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे बनाने वाली थी पर मुझे इतना टाइम नहीं था बनाऊँ इसके लिए, फिर मैंने बाहर से ला दिया। तो हम लोगों ने ये भी खाया और साथ में वो भी खाया। तो जितना चाहिए उतना पिज़्ज़ा सॉस उसके ऊपर फर्स्ट कैबेज देन ऑनियन टोमेटो उसके ऊपर रख के फिर थोड़ा सा नमक डाल के मैंने फिर से सेकेंड जो नीचे की साइड है उसे रोस्ट होने के लिए रख दिया। उसके बाद ऊपर से चीज़ लगा के सर्व करना होता है। कैसा है? अच्छा है।